हमारा ये सैगमेंट बाहर फेंकता नहीं, बहुत बड़ी गलती हो गई है हम लोगों से कि हम लोग प्राय अपने आप को या अपनी अपनी जो बौद्धिक सीमाएं है उसको भी हमने धीरे धीरे पॉलिटिकल सीमाओं के साथ विभाजित करना शुरू कर दिया है, जो अच्छी बात नहीं है। बहुत खूबसूरत बात मलाला यूसुफ़ज़ई कहती है भारत और पाकिस्तान के रिश्ते के बारे में, वो सियाचिन को लेकर के कहती है कि मेरी अपील है पाकिस्तान सरकार से कि वो सियाचिन के ऊपर जो अपना आधिपत्य उसे छोड़ दे, और मैं गुजारिश करूंगी भारत सरकार से कि वो भी उस पर से अपना आधिपत्य छोड़े और सियाचिन को विश्व मैत्री स्थान की तरह घोषित करे। कितनी खूबसूरत सी सोच है, कहते भी सुनने के बाद कट्टरपंथ की जो सोप और हिंदुस्तानी उन्हें बुरा लगेगा, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, और उतना ही शायद बुरा लगा कट्टरपंथी पाकिस्तानियों को कि मलाला यूसुफ़ज़ई को गोली मारी। मलाला यूसुफ़ज़ई को सिर्फ इसलिए नहीं गोली मारी है कि वो पढ़ने जा रही थी, मलाला यूसुफ़ज़ई को बहुत सारे कारणों से गोली मारी। मलाला यूसुफ़ज़ई उस दुनिया में जहां आदमी तो रहते हैं मगर इंसान बहुत मुश्किल से मिलते हैं, वहां इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं, और मालिक कहता है कि आदमी को भी मयसर नहीं। जब आप मलाला यूसुफ़ज़ई को देखते हैं बिस्तर पे पड़ा हुआ तो आपको मालूम याद आ जाता है सिर्फ तुम्हारे इंसान बनने की कोशिश तुम्हें कहां पहुंचा सके। क्या मलाला यूसुफ़ज़ई किसी का घर लूट रही थी? क्या मलाला यूसुफ़ज़ई किसी मौलाना पंडित किसी मंदिर गुरुद्वारे को ढहाने की कोशिश कर रही थी? क्या मलाला यूसुफ़ज़ई सलमान रश्दी जैसी बातें लिख रही थी? कुछ भी नहीं ऐसा कर रही, लेकिन मलाला यूसुफ़ज़ई सिर्फ और सिर्फ इतना कह रही थी कि मैं अपनी स्वतंत्रता चाहती हूं। एक जमाने में अगर आप में से जो लोग भी दर्शन विज्ञान के छात्र जानते होंगे, यूरोप में बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ मार्क्स के आसपास का ही दार्शनिक था, पर मार्क्स को तो चूंकि सारी दुनिया जानने लगी उसको थोड़े कम लोग जानते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा एरिस्टोक्रेट था, जॉन स्टुअर्ट मिल। और जॉन स्टुअर्ट मिल को जिसने भी पढ़ा है उसने दो बड़ी अच्छी बातें की थी अपने जीवन में। एक उसने कहा था कि मैं मनुष्य को उसकी अंतिम स्वतंत्रता का देखना चाहता हूं, मैं चाहता हूं व्यक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाए, किसी भी सिद्धांत से स्वतंत्र हो जाए। उस जमाने उसने बड़ी बहुत बड़ी बात कही थी, वो क्रिश्चियन था, और उसने कहा था कि मैं चाहता हूं कि ईसाई इस बात को समझ ले कि बाइबल चर्च में पढ़ने की चीज है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने की चीज नहीं है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर मनुष्य मनुष्यता को समझे, मनुष्य प्रकृति को समझे, मनुष्य बिजनेस को समझे, वो बाइबल को ना समझने के लिए। बाइबल उसका पर्सनल मैटर हो सकता है, व्यक्तिगत चीज हो सकती है। तुम अपनी श्रद्धा को शिक्षा के माध्यम से दूसरों पर थोपने की कोशिश मत करो। जब वो बाइबल कह रहा था तो इसका मतलब ये मत समझना कि सिर्फ बाइबल कह रहा था, वो कुरान भी कह रहा था, वो गीता भी कह रहा था, वो गुरग्रंथ साहब भी कह रहा था, और वो दास कैपिटल भी कह रहा था, वो प्रत्येक किताब के बारे में बात कर रहा था कि तुम अपने सिद्धांत को एजुकेशन की चाशनी में लपेट करके परोसने की कोशिश मत करो, उसके लिए एक समय दो। व्यक्ति को कम से कम बच्चे को इतना तो परिपक्व होने दो कि वो पहले अपने अंदर अपनी बुद्धि के अंदर एक स्पेस बना ले, एक जगह बना ले, तब वो समझेगा जीवन में हर चीज को समझ लेगा। तो एक महत्वपूर्ण चीज वो कहता है कि मनुष्य को उसकी अंतिम स्वतंत्रता तक देखना चाहता है, और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण बात वो कहता है जो शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि वो नारी की स्वतंत्रता और नारी की अस्मिता में सबसे अधिक विश्वास करने वाला व्यक्ति रहा है यूरोप के अंदर। सिमोन द बोवोआर और सार्ट्र से पहले और रसल से पहले वो यूरोप के अंदर कहता है कि प्रत्येक महिला को मतदान का अधिकार होना चाहिए, उसे पढ़ने का अधिकार होना चाहिए, और उसे समाज में पुरुष के बराबर चलने का अधिकार होना चाहिए। पर जॉन स्टुअर्ट मिल जो कह रहा था और उसकी जीवन की अंतिम फिलोसफी थी वो उपयोगितावाद का दर्शन था। किसी ने पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा, क्योंकि उसके पिताजी मूल उपयोगितावाद को मानते थे, और यदि भी उसने अपने पिता और गुरु सबकी चीजा लेकर करके रख दी थी, उनके उपयोगितावाद को उसने पूरी तरह से बदल के रख दिया था, लेकिन फिर उसने बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि मनुष्य को उपयोगी होना चाहिए। बहुत दिन बाद हम विवेकानंद के भीतर ये बात देखते हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल की बात विवेकानंद के अंदर देखते हैं। विवेकानंद पुनः कहते हैं कि व्यक्ति को उपयोगी होना चाहिए। बस फर्क थोड़ा सा ये था कि जॉन स्टुअर्ट मिल पश्चिम में पैदा हुआ था और उसका भारतीय आश्रम ग्रंथों से बहुत रिश्ता नहीं था,
अन्यथा भारतीय ग्रंथ हमेशा से यही सिखाते रहे हैं कि सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे, सभी व्यक्ति सुखी होने चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप को उपयोगी सिद्ध करना पड़ेगा इस संसार के लिए। और मलाला यूसुफज़ई उस अंतिम अभिव्यक्ति, उस अंतिम स्वतंत्रता की जीवित अभिव्यक्ति बन करके उभरती। ऐसा आपको नहीं लगता कि क्या भारत में महिलाओं के साथ जो अत्याचार होता है, खासतौर पर बालिकाओं के साथ जो अत्याचार होता है, वो क्या वो उसके उसके लिए नहीं वो लड़ रही थी? बिल्कुल लड़ रही थी। वो छोटी सी बच्ची थी, उसमें छोटी सी जगह थी, उसको अपनी घाटी के बारे में इंफॉर्मेशन थी, थोड़े दिन में उसे पाकिस्तान के बारे में। लेकिन जो अश्र भारत के अंदर में लड़कियों का है, जिस तरीके से पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, बंगाल में, हर जगह पर जिस तरीके से भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या होती है, जिस तरीके से लड़कियों को दबा के रखने की कोशिश की जाती है, वो क्या आपको नहीं लगता कि उसके लिए भी मलाला यूसुफज़ई की जरूरत है? विमेन लिबरलाइजेशन की बात पूरी दुनिया में की जाती है, पर आपको लगता है विमेन लिबरलाइजेशन जैसी कोई चीज अस्तित्व में भी है? किसी जगह वो एक्सिस्ट भी करती है, सिवाय कुछ आर्टिकल्स पर और कुछ रैलियों को छोड़ दीजिए तो विमेन लिबरलाइजेशन, नारी मुक्ति जैसी कोई चीज धरती पर एग्जिस्ट भी कर रही है? बहुत सोचने की बात है। और यदि आप उसे नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर बहुत मुश्किल है समझ पाना कि आखिर मलाला इतनी कीमती क्यों हो गई है आज। हो सकता है मलाला यूसुफज़ई कभी नहीं ठीक से बोल पाए क्योंकि उसके ब्रेन में गोली लगी है, वो जीवित भी रह जाए तो कितनी रिकवरी कर पाए कुछ पता नहीं है। हम सब विश कर सकते हैं कि वो जीवित रहे और स्वस्थ होकर के लौटे, लेकिन हो सकता है कि वो स्वस्थ ना भी हो सकता है वो स्वस्थ होकर के ना लौटे। लेकिन इतना तो तय है कि मलाला मर नहीं सकती, इतना तो तय। यदि उसका शरीर नहीं भी रहता है तो भी मलाला जिस इनकलाब की तरह, जिस विचार की तरह धरती पर स्थापित हो रही है, उससे नहीं लगता कि मलाला धरती से जाना। और हमारे आपके भीतर जो प्रयत्न होना चाहिए, बहुत बड़ा प्रयत्न होना चाहिए कि हम मलाला को जीवित करते रहें, पुनर्जीवित करते रहें, उसे बार बार जन्म देते रहे अपने ही भीतर। क्योंकि तालिबान के खिलाफ मलाला खड़ी होती है। आप थोड़ा सा समझ लेते हैं कि तालिबान है क्या। मेरी कोई रुचि नहीं है कि मैं तालिबान की सामाजिक, ऐतिहासिक या राजनीतिक व्याख्या करूं, क्योंकि उसके ऊपर दुनिया भर में बेशुमार लिखा जा चुका है। आप गूगल पे क्लिक कर दीजिए तालिबान और आपको बेतहा साइट्स खुल जाएंगे तालिबान की, है ना। और सबको सब मिलकर तालिबान को कहीं गाली दे रहे हो, कहीं तालिबान की तारीफ कर रहे होंगे, लेकिन तालिबान के राजनीतिक, उसके क्या कहते हैं भौगोलिक, उसके सामाजिक जो क्या कहते हैं छवि है, उस पर पूरी दुनिया चर्चा करती है। लेकिन एक चीज है जिस पर बहुत कम चर्चा होती है कि तालिबान का एक मनोवैज्ञानिक स्वरूप है, वह क्या है? और हम लोग थोड़ी देर से उस पर बात करेंगे क्योंकि हम अभी भी आपके साथ धर्म क्या है की चर्चा में ही लगे हुए हैं और हमें जानना पड़ेगा कि तालिबान भी अपने आप को धर्म कहता है। तो हमें समझना पड़ेगा कि तालिबान धर्म है या नहीं है, और यदि तालिबान धर्म है तो क्या ऐसे धर्म और भी पैदा होते चले जाएंगे या धर्म का अंतिम स्वरूप यही होगा? सबसे बड़ी बात है कि हमें तालिबानी मानसिकता को समझना पड़ेगा। और तालिबानी मानसिकता क्या है? जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि एक सिद्धांत को लेकर के उसके प्रति जबरदस्ती आग्रह करना, हट के साथ आग्रह करना कि आप इस सिद्धांत को, इस विचार को मानो या आप मानने के लिए बाध्य हो। अगर आप में से जितने लोगों ने भी हमारे धर्म क्या है का पहला लेक्चर अटेंड किया होगा, उस दिन मैंने और उसके बाद मैंने कुछ लोगों ने आरोप भी लगाया और कुछ लोगों ने मुझसे ये कहा भी कि मैं हिंदू धर्म या सनातन धर्म के पक्ष में बोलते हुए मैं अन्य धर्मों की क्या कहते हैं आलोचना करता चला जाता हूं। ये मुझ पे आरोप लगे, कुछ लोगों ने सामने कहा, कुछ लोगों ने परोक्ष में कहा, मगर मैं आप सबसे कहता हूं कि जिसको भी कोई बात कहनी है बेहतर है वो मेरे सामने कहे, मुझे कहे, परोक्ष में कहने का कोई लाभ नहीं क्योंकि ये मेरे वक्तव्य है, मेरे उद्गार है, मैं ही बेहतर तरीके से समझा सकूंगा। उसको संदीप जी नहीं समझा सकते, संदीप जी बेचारे मुझे यहाँ बिठा रहे हैं, ठीक है ना। वो तुरंत अगली बार कहें क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं, वैसे भी मैं आसानी से कहीं भी पहचान लिया जाऊंगा, इतना विचित्र हूं मैं, आसानी से आप मुझे भूल नहीं सकते हैं।
तो आप मुझे ढूंढो और मुझे खोज करके पूछो, ठीक है ना? सारे झगड़े करने के लिए मैं उपस्थित हूँ, ठीक। लेकिन ये बात बहुत जरूरी है आपके लिए जानना कि मैंने उस दिन कहा था कि जब धर्म का प्रारंभ हुआ तो मनुष्य ने उस पर व्यक्ति ने चिंतन किया, स्व पर केंद्रित चिंतन हुआ धर्म के ऊपर, और उसके बाद मनुष्य ने जिस तत्व को समझने की कोशिश की वो थी प्रकृति, अपनी प्रकृति और फिर प्रकृति की प्रकृति। ये दो चीजें समझ करके पहली बार धर्म स्थापित होता है, हमारा स्वभाव क्या है और फिर प्रकृति का स्वभाव क्या है, और इन दोनों के बीच में जो हार्मनी है, हमारे बीच में और प्रकृति के बीच में जो एक समस्वरता है, जो एक हार्मनी है, हमारे और प्रकृति के बीच में जो एक एकत्व तो पैदा होता है, जो अभिन्न प्रेम पैदा होता है, जो एक लेन देन पैदा होता है, हमने उसको धर्म कहा। चूंकि सबसे पुराना उसका प्रमाण जो प्राप्त होता है वो वेद है, इसलिए मजबूरी में मुझे कहना पड़ता है कि सबसे पहले वैदिक लोगों ने धर्मों को समझा। यदि मुझे कभी ये माचू पिच्चू में मिल जाए, यदि मुझे कभी ये मिस्र की किसी खुदाई में मिल जाए तो मैं उसके पक्ष में चला जाऊंगा, लेकिन अभी तक ये केवल और केवल संसार में जब एंशियंट नॉलेज खोजने की कोशिश करते हैं अकॉर्डिंग धर्म, तो आपको वो मिलता है वेदों के। इसलिए हमारी भी मजबूरी है और शायद किसी भी बुद्धिजीवी और समझदार व्यक्ति की मजबूरी हो, लेकिन समस्या थी और इतनी बड़ी मजबूरी थी कि पश्चिम ने जब पहली बार वेद को पढ़ा तो वह हैरत में पड़ गया। अब उसके पास दो ऑप्शन बचे थे, मैक्सिमम जब इसको ट्रांसलेट करता है तो दुखी भी होता है और सुखी भी होता है, दोनों चीजों। सुखी इसलिए होता है कि उसने एक महान काम किया, उसने वेद को ट्रांसलेट करके पश्चिम में फैला दिया। दुखी इसलिए हुआ कि वो जो पढ़ रहा था उसका झटाक भर भी उसकी पढ़ी हुई और उसकी फेवरेट किताब में नहीं था बाइबल, वो हैरतअंगेज स्थिति। वो ईसाई तो कट्टर ईसाई था, उसके खतों को पढ़ी और राजा राममोहन रॉय को लिखता है कि तुम इतने अच्छे काम करते हो, ईसाई क्यों नहीं हो जाते हो? अच्छा काम करने के बाद ईसाई होना कंपल्सरी है या ईसाई हुए बिना अच्छा काम नहीं किया जा सकता है? मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, मैं तालिबानी सिद्धांतों की बात, तालिबान एक दिन में पैदा नहीं हुआ है, कई हजार साल लगे इसे डेवलप होने। वो कहता है कि तुम ईसाई क्यों नहीं हो जाते? ब्रह्मवाद, ब्रह्म समाज जिसकी राजा राममोहन रॉय ने स्थापना की थी, अब मैं उसके पास आ रहा हूं। जब रामकृष्ण परमहंस पहली बार ब्रह्म समाज की मीटिंग से लौट करके आए तो उनसे उनके अनुयायी ने पूछा कैसा लगा आपको ब्रह्म समाज? बोले कि मैं बहुत आशा और आकांक्षा, और रामकृष्ण परमहंस बुद्धिजीवी नहीं थे, रामकृष्ण परमहंस हृदयजीवी थे, वो हृदय से जीते थे, उनके पास बुद्धि नहीं थी, और संसार का कोई भी महान व्यक्ति हृदय से जीएगा, मलाल यूसुफ़ज़ई हृदयजीवी है, बुद्धिजीवी नहीं, बुद्धिजीवी होती तो डर जाती। तालिबान ने उसको कहा बुद्धिमान तुरंत डरता है, उसको कहता है बुद्धिमान व्यक्ति की पहली निशानी है तो डरता है। तो इस हिसाब से मलाला जई यूसुफ जई जो थी उसका जो ऊपरी माला था वो खाली था, अस्तु के हिसाब से वो बेवकूफ, और बेवकूफ होना इतना बुरा नहीं है जितना बुद्धिमान सही बोल रहा मैं, बेवकूफ होने के बहुत से फायदे होते हैं, यदि आप बेवकूफ है तो बहुत सारे फायदे, किसी बात में कह सकते हमको नहीं पता है ना, अगर आपको पता है तो आप मुसीबत में पड़ गए, जैसे कि आपको कुछ पता चलता है मुसीबत में पड़ जाते हो, नहीं पता तो सारे गुनाह माफ, अल्लाह भी कहता है जिसको नहीं पता उसे मैं माफ कर दूंगा, अच्छा मैं पता नहीं करूंगा, कभी पता करूंगा तो माफ नहीं करेगा। हिंदू का भी कहते ना कि भाई गलती हो जाएगी तो भगवान माफ कर देगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, नवरात्र चल रहा है बहुत व्रत रह रहे हैं तो कई बार अब किसी ने खा लिया, अब कोई मुझे आया उसने मुझे पूछा कि वो भी मैंने खा ली है गुरु जी, वो व्रत बचा कि नहीं बचा, मैंने कहा खा ली तो उसके बाद मतलब क्या है, खा लिया अच्छी बात है, वो भी खा लिया, अगर तुमको लग रहा है व्रत बचा है तो ठीक, नहीं तो नहीं बना। मैं क्या करता था, मुझे जिस दिन व्रत नहीं रहना होता मैं जानबूझ के कोई बिस्किट विस्किट निकाल के खा लेता था, और फिर घर पे जाकर कहता था मम्मी मैंने तो बिस्किट खा लिया व्रत टूट गया, चलो खत्म, नौ दिन व्रत कौन रहेगा, तो एक बिस्किट खा लिया, दिखा दिया कि मैं बेवकूफ हूँ, अबोध हूँ, मैं नहीं जानता, तो अबोधता के लाभ होते हैं, लेकिन खैर मैं वो वाला अबोध नहीं बता रहा हूँ, जो हृदय जीवी होता है मूर्ख नहीं होता है।
जो दिल से सोचता है।